आंध्र प्रदेश से राजस्थान पहुंचकर एक उस वारदात को अंजाम दिया जाता है जिसके बाद राजस्थान पुलिस में खलबली मच जाती है। दरअसल हम जिस वारदात की बात कर रहे हैं उसे अंजाम दिया गया राजधानी जयपुर में। एक कारोबारी के बेटे का अपहरण और वारदात को अंजाम देने वाले दो युवक और फिर युवक को रिहा करने के एवज में मांगी जाती है 40 लाख रुपए की फिरौती। फिल्मी तर्ज पर वारदात और फिल्मी स्टाइल में अपराधियों की गिरफ्तारी। चलिए आपको भी दिखाते हैं वारदात की पूरी तस्वीर। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर अपहरण जैसी वारदात को अंजाम देने के लिए अगर कोई शख्स राजधानी जयपुर पहुंचता है तो वाकई जयपुर पुलिस के लिए भी सवाल तो खड़ा होता है। दो दिन पहले जहां राजधानी के जवाहर नगर इलाके में दिन दहाड़े बदमाश खुलेआम 4 लोगों पर फायरिंग कर गैंगवार की दस्तक देते हैं, वहीं इसी वारदात के कुछ घंटों बाद ही आंध्र प्रदेश से जयपुर पहुंचे 2 युवक एक कारोबारी का अपहरण कर ले जाते हैं। कारोबारी को रिहा करने की एवज में परिवार से 40 लाख की रकम मांगी जाती है। दरअसल मंगलवार रात मानसरोवर प्लाजा में कपड़ा व्यापारी विक्रम सिंह चौहान का बेटा संजय चौहान का फिल्मी तर्ज पर अपहरण कर लिया जाता है। हैदराबाद के अपहरणकर्ता उसे अगवा कर अजमेर रोड ले जाते हैं और फिर अजमेर की तरफ निकल जाते हैं, जिसके बाद वारदात की खबर पुलिस को दी जाती है तो पुलिस में भी हड़कंप मच जाता है और आनन फानन में पुलिस बदमाशों के पीछे लग जाती है। इसी बीच व्यापारी के पास अपहरणकर्ताओं के कॉल आते रहे और आखिरकार अपहरणकर्ता और व्यापारी के बीच में 20 लाख रुपए की फिरौती की डील तय हुई, साथ ही अजमेर रोड के रूपाली ढाबे पर मिलना भी तय हुआ। रात करीब 9:30 बजे के करीब संजय सिंह चौहान नाम के युवक को, जो व्यापारी के पुत्र है, फॉर्चून कार में आए 2 किडनैपर्स ने उसको अपनी गाड़ी से उतार के अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बिठा करके गन दिखाई और उसको यहाँ से फरार करके ले गए। बाद में उन्होंने इसके पिता से बात करा के 35 लाख रुपए की डिमांड की। उसके फादर ने इतने पैसे देने में असमर्थता जाहिर की तो वो गाड़ी को टूवर्ड्स अजमेर डावर और आगे की तरफ ले गए। गाड़ी का लोकेशन ज्ञात होने पर एक पुलिस टीम SHO शिप्रापत और SHO मोहना के नेतृत्व में बनाई जाकर के गाड़ी का फॉलो करने के लिए यहां से भेजी गई। युवक संजय को गन पॉइंट पर लेकर की गई इस वारदात के बाद हरकत में आई पुलिस को आखिरकार कामयाबी भी मिल गई। व्यापारी के फोन पर आए फोन कॉल के नंबरों की कॉल डिटेल निकालकर अपराधियों का पीछा किया गया। साथ ही सादावर्दी में थाना अधिकारी अनिल चसोरिया और सुरेंद्र सिंह रानावत कुछ पुलिसकर्मियों के साथ व्यापारी के साथ जयपुर से अजमेर की ओर रवाना हुए, लेकिन इन्हें देखकर अपहरणकर्ता अपनी गाड़ी ले भागे। पुलिस और अपहरणकर्ताओं की गाड़ी कई बार आपस में टकराई। बाद में पीपलाज गाँव के पास बदमाशों की गाड़ी का टायर फट गया, जिससे पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक एयर पिस्टल वॉकी टॉकी भी बरामद की है। लोकेशन अजमेर रेड पर मिलने पर मैं शिप्रापत इंचार्ज और मेरे साथ मोहाना SHO और हमारे 3 जवान एक गाड़ी से फॉर्चुनर से ही उसका पीछा करने के लिए अजमेर रोड पर गए और वहां पर फॉलोअप मिलने पर कि इसकी लोकेशन के बारे में और गेगल के आसपास हमें गाड़ी टोल की तरफ आती दिखाई दी, जिसका पीछा करने पर टोल तोड़ के वापस से भागी ब्यावर की तरफ। उसका लगातार पीछा किया गया
गाड़ी बड़ी तेज स्पीड से थी लेकिन लगातार पीछा खींचा करते हुए पीपलाज गांव के पर कच्ची सड़क पे जब उसने गाड़ी को मोड़ा टर्न किया तब उससे गाड़ी को टकरा के हिट करके और उनको रोका गया। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है और युवक संजय को भी रिहा करा लिया है, लेकिन वारदात का असल कारण अभी सामने नहीं आया है। पुलिस के मुताबिक वारदात को आपसी लेन देन के चलते अंजाम दिया गया है, लेकिन पूछताछ अभी जारी है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी सबका चक्रवर्ती और श्रीकांत हैदराबाद के रहने वाले हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से जितेश की रिपोर्ट। दरअसल इस पूरी वारदात में एक बात ये भी साफ हुई है कि हैदराबाद के रहने वाले और खुद को इंजीनियर बताने वाले इन युवकों ने खुद को क्राइम ब्रांच से जुड़ा होना भी बताया, और जब अगवा किए गए युवक संजय के पिता विक्रम सिंह ने इनसे बात की तो युवक को मुंबई ले जाने की बात कही गई। हालांकि इस मामले में युवक के पिता का कहना है कि ना तो वे इन युवकों को जानते हैं और ना ही उन्होंने इनसे कोई बिजनेस किया है। रात को 9 बजे बच्चा शोरूम से निकल के कुछ खाने पीने के लिए, यहाँ KV5 के बाहर कोई ठेली लगती है, वहाँ कुछ खाने पीने के लिए आया था अपने दोस्त के साथ, मोहित के साथ में, और वहीं पे गाड़ी से कवर करके उसको पूछा संजय कौन है तुम में से, उसने बोला मैं हूँ, बोल कैसे उसको पकड़ा रोल की नोक पे गाड़ी में डाला और लेके चले गए। मोहित ने मुझे फ़ोन किया, अब संजय को उठा के ले गए, उनके पास में कुछ रिवॉल्वर थे, दो बंदे थे, तो मैंने कहा 100 नंबर पर फ़ोन करो, 100 नंबर पर उन्होंने सूचित 100 नंबर पर सूचित कर दिया, और उसके बाद में आधे घंटे बाद मैं यहाँ पर आ गया, मैंने आकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। एक घंटे तक बच्चे का फ़ोन बंद था, एक घंटे बाद खुद ही फ़ोन आया उनका, तो उन्होंने कहा पापा मुझे हाईवे पे लेकर मुंबई लेके जा रहे हैं, तो मुझे लगा दिल्ली हाईवे के ऊपर होंगे, तो मैंने पूछा कोर्ट में बताऊँ भाई कोटपुती तक पहुँचा, बैरोड तक पहुँचा, कहाँ तक पहुँचा, तो उसने बताया उधर नहीं, बल्कि मैं अजमेर साइड में मुंबई इस रस्ते से जा रहे हैं, मतलब टोल प्लाजा पार किया। मैंने भाई क्या क्या चाहते हैं, बोल कैसे भाई हम छोड़ देंगे, हम क्राइम ब्रांच के आदमी हैं, तो 40 लाख रुपये दे दो, लेते के मामला सेटल हो जाएगा। बेटे से बात हुई थी, किडनैपर से बात हुई थी? हाँ, किडनैपर से बात करो, बेटे के फ़ोन से, बेटे के फ़ोन, हाँ थोड़ी देर बेटे से बात हुई, फिर उसने उसको फ़ोन दे दिया, मैंने कहा ठीक है बैठ के बात कर लेते हैं, आप वापस आ जाओ, और वापस नहीं आप इधर आ जाओ, अरेंजमेंट कर लो, ठीक ना, मैं इतना मैं नहीं दे सकता, 5 लाख से मैंने नेगोशिएशन किया, 20 लाख का हमारा सौदा हुआ, चार साहब को सारी बातें बताई मैंने, यहाँ से ये लोग 5-6 लोग गाड़ी के अंदर बैठ करके रवाना हो गए, नाकाबंदी करवा दी,